वृंदावन भी लोग आते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं आए दो घंटे के लिए, अब पहले से ही स्टेटस पर डालना शुरू कर दिया है, हाँ वृंदावन जा रहे भाई साहब, हाँ स्पिरिचुअल जर्नी, वो क्या क्या वो हैशटैग स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल वो आया आके घूम के, पहले ही से पंडा पुरोहित बड़ा आदमी है तैयार रहते हैं, पंडा जी पुरोहित जी ऐसी सेवा होती है कि कभी कभी लगता है बिहारी जी की भी सेवा ऐसी नहीं होगी, इंतजार हो रहा है वो आ रहा है, धमते धमाते पहुंच गए मंदिर में, मंदिर में जाकर के एकदम दरवाजे के पास जाली के अंदर ले जाया गया, मजे की बात है जब वो जाली के अंदर पहुंचता है तो आगे नहीं देखता पीछे देखता है लोगों को, देख लो कहाँ हूँ, गया था बिहारी जी का दर्शन करने, पर मनुष्य की वृत्ति देखो वहां पहुंच के पीछे देखता है, देख लो वहां भी दर्शन नहीं, क्योंकि निकले हुए किसी भी व्यक्ति से एक बार पूछ दो कि आज ठाकुर जी की पाग कैसी थी, पगड़ी कैसी, जरा बता दो, तो जरा बताओ आज ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं, बताओ, मैंने तो आज तुमको बता दिया, नहीं तो कल तुम लोगों को बिहारी जी भेजने वाला था और उसके बाद पूछने वाला था बताओ क्या पहन के, अगर एक भी तुम में से बता देता तो मैं तुम्हें बता देता, फिर बता ही देता, मैं भी बता देता, मतलब स्वीकार कर लेता, आ जाओ बैठो अब काम बन गया तुम्हारा, क्योंकि तब पीछे देख अहंकार देख रहा है, वहां से भागे तो बरसाना गए, बरसाना जी में जाके वही हंगामा, वहां से निकले गिरिराज जी को ही प्रणाम कर लिया, राधा रमन जी को प्रणाम कर लिया, राधा दामोदर जी को प्रणाम कर लिया, वहां जाके थोड़ा परिक्रमा भी कर लिया, वो बाबा जी से भी मिल लिया, वापस जाते जाते धम्म से जाके घर में सोफा पर, अरे मर गए, अरे तो मरने आए थे वृंदावन में, वृंदावन में वृंदावन से जाकर भी कोई पस्त हो जाए तो उसका दुर्भाग्य है, वृंदावन का स्पर्श भी जिसको हो जाए वो मस्त हो जाता है, पस्त नहीं होता, वृंदावन मस्ती देती है, तुम पस्त हो जा रहे हो, तुम व्यस्त हो जा रहे हो, तुम अस्त हो जा रहे हो, क्योंकि हर जगह प्रकाल, वो जो डेढ़ सुइया है ना वो टिका है कहीं और, सारा खेल डेढ़ सुइया का है, हम नाम ही हमने रख दिया डेढ़ सुइया, और बिहार और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में हमारे बड़े मानने वाले लोग हो जाएंगे, गुरुजी अपने ही लगते हैं, डेढ़ सुइया बोल दिया उन्होंने, हाँ डेढ़ सुइया, उसकी सुई जहां गड़ गई, और याद रखना सदगुरु करते वही हैं, तुम्हारी सुई जहां रखी है प्रकाल की बस उसी को व्यवस्थित करने में वो लगे हैं, तुम कह रहे हो ये आशीर्वाद दो, ये आशीर्वाद दो, वो आशीर्वाद दो, वो करते तो हैं क्योंकि तुम लोग भी कम तेज थोड़ी हो।